वेलकम टू मैडिंग स्टडी आज की इस वीडियो में हम लोग तीन संख्याओं का हासिल का जोर बनाना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दो सात और ये फिर तीन इसको जोड़ना है हम लोगों को तो इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा एक और दो उसके बाद क्या लिखा हुआ है सात लिखा हुआ है फिर से लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात उसके बाद ये कितना है तीन है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर तीन लिखूँगा एक दो तीन इसको क्या करना है जोड़ना है ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है यानी कि सात दो नौ नौ तीन बारह तो बारह का दोस्तों कितना हो जाएगा बारह का ये जो आया है यहाँ पर तो बारह का हम लोग क्या करते हैं दाहिने अंक को यहाँ पर लिख देते हैं नोट डाउन में और जो बाया वाला होता है वो क्या होता है हमारा कैरी हो जाता है यानी कि हासिल हो जाता है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं याद रखने के लिए अब आइए दूसरी संख्या को जोड़ेंगे चार और तीन को जोड़ना है फिर दो को जोड़ना है तो चार और तीन तो इस तरीके से फिर से लकीर खींचेंगे एक दो तीन चार ठीक है उसके बाद कितना है तीन है तीन और लकीर मैं खींचता हूँ लाल रंग से ताकि ये मैच ना हो उसके बाद यहाँ पर दो है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक और दो अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो चार था पाँच छः सात आठ नौ ठीक है चार तीन सात सात दो नौ हासिल एक मिला कर क्या हो जाएंगे दस तो दस का क्या हो जाएगा ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा दस इस तरीके से लिखते हैं तो दाहिने वाला यहाँ पर मैंने ज़ीरो को लिख दिया बाया वाला हमारा फिर से क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया याद रखने के लिए अब आइए फिर से सात और आठ को जोड़ना है सात आठ क्या होता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ से लिखता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है उसके बाद कितना है उसके बाद है सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है उसके बाद कितना है तीन है एक दो तीन ठीक है अब इसको जोड़ देते हैं ये क्या था आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह हासिल एक था अठारह एक क्या हो जाएगा दोस्तों उन्नीस हो जाएगा तो उन्नीस का दाहिना अंक क्या होगा नौ होगा तो नौ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और हमारे पास हासिल क्या हो जाएगा कैरी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है अब चलो फिर से हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना है तीन और पाँच तीन पाँच को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा और आठ और आठ क्या होता है सोलह होता है हम सभी को पता है ठीक है सोलह और एक हासिल को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सत्रह हो जाएगा तो सत्रह का दाहिना क्या होता है सात होता है हासिल हमारे पास कितना है एक है एक को मैं यहां पर दिखाने के लिए लिख देता हूं ताकि हम लोग भूल ना जाए ठीक है अब चलिए यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे जोड़ करेंगे आठ है दो है सात है ठीक है तो आठ में दो को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आठ नौ दस दस हो गया इन दोनों को मिलाकर ठीक है दस में सात जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सत्रह हो जाएगा ठीक है और हासिल एक मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा अठारह हो जाएगा तो लास्ट में जो भी संख्या आती है उसको हम लोग क्या करते हैं टोटल लिख देते हैं इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अठारह लिख देंगे यही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर देखा आपने काफ़ी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है अब चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम लोग चलेंगे और इसको भी काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है आठ तो आठ में दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आठ नौ दस हो जाएगा दस में अगर तीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा ना तो इस तरीके से अगर तेरह आता है तो तेरह का दाहिना यहाँ पर क्या है तीन है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तीन को इस तरीके से लिख देंगे ये जो एक है हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया अब उसके बाद आइए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है अब इसको जोड़ना है तो सात और दो क्या होगा सात और दो जोड़ेंगे चलो सात दो को नहीं जोड़ते सात और तीन को जोड़ते हैं सात और तीन मिलकर क्या हो जाएंगे दस हो जाएंगे और दस में अगर ये वाला दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बारह और हासिल एक जोड़ देंगे तो फिर से तेरह आ रहा है तो तेरह का क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा फिर से और हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा एक हो जाएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब चलो यहाँ पर जोड़ना है पाँच और छः को जोड़ना है फिर एक को जोड़ना है तो मैं लकीर खींचता हूँ फिर से एक दो तीन चार पाँच छः उसके बाद क्या है फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है उसके बाद क्या है वन है तो वन को भी यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ अब इसको जोड़ दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है बारह हो गया तो बारह का क्या हो जाएगा दो हो जाएगा लेकिन नहीं हमारे पास एक हासिल भी था ना ये वाला तो बारह और एक क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा तो तेरह का फिर से दोस्तों तीन हो जाएगा फिर से हमारे पास हासिल कितना आ जाएगा ये हो जाएगा वन ठीक है अब फिर से चलो फिर से एडिशन करेंगे तो पाँच है तीन है चार है इसको कैसे करेंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है उसके बाद कितना है एक दो तीन उसके बाद क्या है चार है एक दो तीन चार अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे पढ़ेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है पाँच तीन आठ आठ चार बारह हासिल एक मिलाकर कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे तेरह तो तेरह का दोस्तों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फिर से थ्री फिर हमारे पास कैरी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन तो इसको मैंने क्या किया लिख दिया वन को और उसके बाद फिर से लास्ट जो यहाँ पर तीनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे इसको आपस में इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे ठीक है तो आठ है यहाँ पर तो लिखता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है उसके बाद लास्ट में कितना है वन भी है वन भी मैंने लिख दिया ये वाला ठीक है और उसके बाद कितना है दो है और एक है तो वन टू और वन एक बार और लिख देता हूँ हो गया अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है कितना हो गया बारह हो गया ना यहाँ पर देखिए आठ दो दस दस और दो यहाँ पर क्या हो गया बारह हो गया आठ दो दस एक ग्यारह एक बारह हासिल मिलाकर तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं जो भी योगफल आता है उन सभी को एक साथ लिख देते हैं तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया इतना आ गया इस तरीके से हम लोग काफ़ी आसान तरीके से हासिल वाला जोड़ बना सकते हैं तीन संख्याओं का उम्मीद करता हूँ कि वीडियो छोटी सी है लेकिन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा मैडिंग स्टडी को अभी आप लोग मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियोज़ लाता रहूँ तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में